हेलो ग्रीवंत, कैसे हैं आप सब? भाई आप सब ठीक होंगे? जैसा कि आज हम थोड़ा लेट सो के उठे कि अभी सो के उठ रहे हैं, टाइम हो रहा है 10:09। तो आज हम अभी सो के उठे कि रात में थोड़ा देर तक जगे थे, कोई काम था, इसलिए आज अभी सो के उठे। थोड़ा हमको रोड पे जाना पड़ेगा हनुमानगढ़ ही के पास, एक दोस्त तो पैसा लेके आ रहा है, तो आपको दिखाएंगे कि चलते हुए किस तरह से हम सब जाएंगे, पैसा लेंगे, फिर आएंगे। आज का पूरा एक दिन का अपना रूटीन दिखाएंगे, क्या क्या हम करते हैं, कैसे करते हैं। तो आपको हम ले चलते हैं सब अपने नाग हनुमानगढ़ी। जय श्री राम दोस्तों, ले आइए मेरे ब्लॉग के साथ। हम यहाँ तक आए थे तो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये हमारी नाका हनुमानगढ़ी है। यहाँ पे मेरा एक दोस्त मिला, उससे मैंने मुलाकात की, उसके बाद हाल चाल हुआ। उसके बाद ये मेरी नाका हनुमानगढ़ी की मंदिर है, जो कि हनुमान जी की देखो पूजा हो रही थी। आज सोमवार का दिन था तो हम भी यहीं पे खड़े हुए थे, तो हम अंदर नहीं गए क्योंकि हम जूता पहने हुए थे, इसलिए हम उसको बाहर से दिखा रहे थे कि देख लीजिए हनुमानगढ़ी में सब भक्तों अपना लाइन लगा के और पंडित जी अंदर बैठे हुए सब आशीर्वाद ले से। बाहर जो है मिठाई की दुकान लगी हुई है। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे सीधा पैसा लेंगे, तो मुझे पैसा मिल गया था, हम पैसा लेके घर जा रहे थे। उसके बाद हम घर आके खाना खाएंगे क्योंकि नाश्ता नहीं किए थे, तो अब नाश्ता करके उसके बाद हम कुछ देर फिर बैठेंगे नहाने के, सोचेंगे नहाने के कि नहीं नहाएंगे, फिर उसके बाद बैठे रहेंगे कुछ देर सोचते सोचते, जब नाश्ता वास्ता कर लेंगे फिर उसके बाद हम स्नान करके वहाँ से आके थोड़ी देर रेस्ट किए, उसके बाद स्नान किए, फिर हम रेडी होके एक भैया आए हैं उनके साथ हम जा रहे हैं कुछ दूर तक। तो आपको दिखाएंगे हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि आज के ब्लॉग में पूरे हम अपने रूटीन दिखाएंगे कि हम आज करने क्या वाले हैं, किए क्या क्या हैं, क्योंकि आज कोई कॉन्टेंट सूट नहीं आता, तो हम सोचा सुबह के रूटीन से सब कुछ बनाते हैं, तो आपको दिखाएंगे। हम फिर चल रहे हैं उनके साथ, जाएंगे बाइक से बैठ के, कहाँ पर जाना वही बताएंगे, क्योंकि अभी कॉल किए थे, बोले कि आओ नीचे गाड़ी खड़े हैं, तो हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हम बाइक से जाने वाले कहाँ हैं, कि जहाँ भी जाएंगे आपको दिखाते हुए चलेंगे कि हम सब जाएंगे क्या, हाँ क्या करेंगे, कुछ खाए पियेंगे तो वो भी आपको ब्लॉग में दिखाएंगे अपने। तो आपको ले चलते हैं फिर से अपने साथ। अभी आज का तो ब्लॉग चल ही रहा, सुबह हम गए थे हनुमानगढ़ी तक, घर पर आए वापसी, फिर हम आप फिर निकल रहे थे, फिर आए थे, फिर अब जा रहे हैं नाका की तरफ। तो आपको दिखाएंगे कि हम नाका के तरफ से कहाँ जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ, उनके पास जाने के बाद डिसाइड हो तो उसको चलते हैं दिखाते हुए। घर से हम निकल चुके थे, हमारे कॉलोनी की गली है नाका हनुमानगढ़ी के थोड़ी से पहले पड़ती है, जो कि हमारी गली हनुमत नगर बैंकर्स कॉलोनी है, जो मेरी की गली है। यहीं अमित भैया आए थे, एक दुकान पे खड़े हुए थे, कुछ काम कर रहे थे, तो हम आपको वहाँ चलेंगे दिखाएंगे कि अमित भैया खड़े कहाँ थे, क्योंकि उन्हीं ने कॉल करके मुझे बुलाया था, कुछ मोबाइल का काम कर रहे थे, वो यहाँ पे सेटिंग कर रहे थे मोबाइल में, क्योंकि मोबाइल को भारत पे का काम करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पेमेंट का मामला था कुछ, तो बोले कि 2 मिनट रुक जाओ, हम यहाँ पे इनका सेटिंग कर दें। उसका सेटिंग करने के बाद ये अपनी बाइक के पास गए स्टार्ट करने के लिए, तो हमने बोला इसी बाइक से चलना है, बोले हाँ। तो ये हम दोनों ही खड़े हुए थे, फिर पीछे से कार आ रही थी, तो हम सब ने बाइक स्टार्ट की और यहाँ से चल दिए धीरे धीरे, फिर आपको दिखाते हैं हम। बाइक से बैठ के जा रहे हैं भैया के साथ घूमने के लिए, कहाँ जा रहे हैं कोई डिसाइड नहीं है। हम वहाँ पहुँच के आपको दिखाएंगे कि हम सब जा के जनौरा मार्ग से होते हुए देखिए बाइक पे बैठे हुए, पीछे फोर व्हीलर आ रही है हमारे, तो हम यहाँ से जनौरा से होते हुए जा रहे थे, हमारे भैया बाइक चला रहे हैं, जो कि
बहुत मेहनत करते हैं, भारत में काम भी करते हैं। ये इन्हीं के साथ हम निकले हुए थे घूमने के लिए, इन्होंने बोला और चलो घुमा लाते हैं, चलिए क्योंकि ठंडा मौसम है, घर पे बैठे बैठे बोर भी हो रहे थे, तो वहाँ सबको आगे ले चलते हैं, दिखाते हैं कि हम सब कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ रास्ते से कुछ डिसाइड नहीं है, बस जाना है इतना पता है, किधर जाना ये नहीं पता है, क्योंकि हम सब हाईवे से होते हुए मेन जा रहे हैं, यहाँ से चढ़ेंगे दोपाली हाईवे, यहाँ मेन जनौरा के रास्ते से होते हुए बीच में हम निकले थे, तो बाइक से ही जा रहे थे, ठंडी का मतलब ठंड भी लग रही थी, जैसे कि स्वेटर पहने हुए भी हैं, आपको ले चलते हैं दिखाते हैं कि हम सब कहाँ जा रहे हैं, क्या देखेंगे, अगर ज़्यादा लेंथी ब्लॉग हो तो आपको नेक्स्ट पार्ट में भी दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो आपसे ये सस्पेंस है तो आपको दिखाते हुए चलते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अभी मेन हाईवे पर चढ़ रहे हैं, हाईवे के ऊपर हैं, तो आपको ले चलते हैं मैं ब्लॉग के साथ पूरा कि हम कहाँ तक चल रहे हैं, और यहाँ पर राम की मूर्ति भी लगी हुई है, उसको बीच बीच में आपको दिखाते हुए चलते हैं। बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी तो अमित भैया से मैंने बोला कुछ खाया जाए, तो उन्होंने यहाँ पे भेलपूरी वाले के पास रोका, बोला कि दो भेलपूरी बना दीजिए, तो वो देखिए किस तरह बनाते हैं, क्योंकि हम सब ने बोला बहुत चटपटा रहेगा क्योंकि बहुत तीखा खाने का मन था, तो प्याज काट रहे थे, वो बोले कि आपके सामने ही बनाएंगे, तो अमित भैया बोले कि खट्टा वगैरह हम कुछ नहीं, तो बोले आप देखते रहिए हम किस तरह बनाते हैं, आप सब भी देखिए किस तरह से भेलपूरी बनाएँगे, काफ़ी अच्छे और टेस्टी बनाते हैं, मैंने नाम सुना है, आज खाएंगे तो बताएंगे आपको किस तरह से भैया बनाए थे भेलपूरी, ये नींबू डाले हैं उसमें, उसके बाद ये देखिए अपने चक्कू से मिलाया इन्होंने, उसका थोड़ा सा नमकीन और डालेंगे क्योंकि नमकीन की कमी दिख रही थी उनको, खुद बोले कि हाँ थोड़ा नमकीन और डाल दिया जाए, अच्छा अभी चेक भी कराएंगे, आप एक बार चेक कर लीजिए कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि ये देखिए चेक करने के लिए दिए, चेक करने के बाद अच्छा लगा काफ़ी, तो हम सबने बोला ठीक है पैक कर दीजिए आप, तो ये वो दो कोन में बना के एक एक कोन दोनों लोग को देंगे, तो काफ़ी अच्छा लगा था खाने में, ये देखिए हम सबको कोन मिल गया है, अब इसको हम सब खाएंगे क्योंकि काफ़ी टेस्टी देखने में लग रहा था, तो हम उसको बताएंगे किस तरह था ये। हम घूम टहल के फाइनली अपने घर के लिए लौट रहे हैं क्योंकि अब शाम का समय होने वाला है, 5 बज रहे हैं, काफ़ी ठंडा मौसम है आज का, आज धूप भी नहीं निकली दिन भर, तो हम यहाँ हाईवे से होकर अपने घर जा रहे हैं, तो आपको जाते हुए दिखाते हैं कितना अच्छा मौसम है, यहाँ से आपको चलते हुए पूरा दिखाएंगे किस तरह मौसम हुआ, देखिए भाई पीछे भी पूरा मौसम ठंडा ही है, अभी इतना धूप निकली कुछ, पूरे मौसम पे बादल का छाया हुआ है, ले चलते हैं आपको साथ, आपको दिखाते हुए चलते हैं किस तरह का मौसम है।